आवाज। वन्नी जन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, कबीर महोत्सव के अवसर पर चार दिवसीय सत्संग प्रोग्राम का आज अंतिम दिन है। साहेब जी की आज्ञा हुई है, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। एक ऐसे महापुरुष की हम चर्चा करने बैठे हैं जो कि अद्वितीय रहा है। किसी ने कहा है, जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं और सभी पहल चमकदार होते हैं, वैसे ही कबीर के हर पहल चमकदार थे। चाहे कबीर को किसी रूप में देखे, हम सदरू कबीर सब तरफ से चमकते हुए हीरे की तरह थे वो। और आज इस विज्ञान के युग में जो बातें गुरुवर कबीर ने कही है 600 वर्ष पूर्व, ये बातें आज विज्ञान के साथ जैसा का तैसा बढ़ता टकराती नहीं है। जो बातें आज विज्ञान कह रही है सदरु कबीर साहब उसको 600 वर्ष पूर्व कहे हैं। और आज विज्ञान के युग में आज भी इतना अंधकार चमत्कार इतना नाना कर्म कांड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सदरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने स्वीकारा। ऐसे महापुरुष पूरे विश्व में कोई कोई होंगे अपवाद, लेकिन सदरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसको हिंदू मुस्लिम सबने स्वीकारा है। सब कहते थे कबीर हमारे हैं, कबीर हमारे हैं। आज आदमी आदमी को बांट रहा है, लेकिन सदरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसको सबने अपनाना चाहा है। आज आदमी आदमी से डर रहा है, आदमी ही आदमी को आज खंडित करने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे के छुआछूत कर रहे हैं, एक नीचा है एक बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। आदमी आज ना जाने कितने प्रकार के रोग ऊपर लोग लगाते जा रहे हैं। मानवता खंडित होती चली जा रही है और महापुरुषों की वाणी एक तरह से दफन होती जा रही है। एक ऐसे महापुरुष जिसके बारे में आदमी चर्चा करते ही उनके दिमाग में एक नए ख्याल आ जाते हैं, जिनके जीवन में न कोई खास एजुकेशन नहीं था उनके पास, न पढ़ने लिखने का कोई साधन था। एक अद्वितीय कबीर जो कि अपने बल पर अपने दम पर दुनिया में एक ऐलान खड़ा कर दिया। और सदरु कबीर जिन्होंने जनमानस में आज जो भी बात गुरुवर कबीर ने कही है जनमानस में कही है, उसके पूर्व हुए हैं बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, ये सदरु कबीर की तरह नहीं थे, वे अलग थे। सदरु कबीर एक गरीब झोपड़े में पढ़ने वाले थे और गरीबों के बीच में आम जुलाहों के बीच में रहते थे और आम लोगों के बीच में वो अपनी बात कहते थे। लेकिन जिसे बुद्ध है कबीर है महावीर है, ये इनकी बातें अलग अटपटी रहती है। कृष्ण और महावीर की बातें आप देखेंगे, ये बातें सूझी और बुझी सी बातें रहती है। सूझी बुझी बातें कहते हैं, सीधा बातें नहीं कहते हैं। गुरु और कबीर को ना बोलने का ढंग है ना कुछ भी तजुर्बा नहीं, लेकिन उनके बातें आदमी को दिल में चुभ कर जाती है। वो किसी को छोड़ते नहीं है, हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ते हैं। जब अध्यात्म की बात आती है तब भी कहते हैं, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। बड़ा प्रेम से कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जो अब की पुरिया निर्वार दे, अब की बार अपनी वासनाओं का पुरिया समाप्त कर दे। वासना क्या है? कोई भी चीज के प्रति हमारी आसक्ति हो जाना ही वासना है। हम जीवन को बदलना चाहते हैं तो भ्रम और मान्यताओं से ऊपर उठते जाए। जिस समय गुरुवर कबीर हुआ है, उस कबीर हुए उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, लेकिन उसी ब्राह्मणों के बीच में कहते हैं, पहिरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरू को क्या पहराया। अगर तुम जनेऊ पहन के ब्राह्मण होते हो तो अपने पत्नी को तुम क्या जनेऊ पहनाए हो, तो ब्राह्मण नहीं हुए, फिर उसके हाथ से कैसे खाते हो।
सोचो जहां मौत की गलियां बहती हो, जहां मौत ही मौत दिखाई देती हो, जहां किसी के प्रति एक लफ्ज भी कहा दिया जाए तो धड़ से सिर अलग कर दिया जाता हो, वहां पर गुरु और कबीर ब्राह्मणों के बीच में रह करके कहते हैं, पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण हो ना, मेरी क्या पहराया। किसी को वो मुलाजे पर नहीं छोड़ते थे, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते थे, ना हिंदी को हिंदुओं को नहीं छोड़ते थे। मुसलमानों को कहते थे, काजी तुम कौन कितेब खानी झंकत भकत रहु निसी बासर मती एको नहीं जानी। तुम कौन किताब की बखान करते हो, कौन है तुम्हारा ऐसा ईश्वरी किताब जिसकी तुम बखान करते हो, झकते हो, बकते हो, लेकिन आत्मा विश्लेषण के बारे में नहीं जान पाए तो क्या जाना तुमने। गुरु और कबीर आज भी हिंदू और मुसलमान आपस में जितना एकता और प्रेम होना चाहिए नहीं है। गुरु और कबीर ने इसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, गुरु और कबीर ने एक सूत में ही बटोरने का प्रयास किया, लेकिन लोग कटते गए कटते गए। आदमी जब व्यापार की बातें आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ व्यापार करते हैं, आप देखिएगा, एक ही दुकान में जाएंगे, एक ही बैंक में जाएंगे, एक ही गाड़ी में बैठेंगे। जब अध्यात्म की बात आती है, जब परमात्मा की बात आती है, जब जीवन जीने की बात आती है, जब आत्म विश्लेषण की बात आती है, तो हिंदू अलग हो जाते हैं, मुस्लिम अलग हो जाते हैं। हिंदू के मंदिर में मुस्लिम नहीं जा सकते हैं, मुसलमान के मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकते हैं। जहां जीवन सुधार की बातें होती है, वहां एक जगह नहीं जा सकते हैं। लोग कहते हैं ये हिंदुओं का प्रोग्राम है, हम यहाँ नहीं जा सकते। जहां मस्जिद है वहां पर हिंदू नहीं जा सकते। जहां जीवन परिवर्तन केंद्र है वहां बंटवारा, और जहां आपस में उलझने की जगह है। गुरुदेव जी ने कहा है, परमार्थ ही में झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहां, व्यवहार ही में तो झाल है। जितना हमारा एक दूसरे में तू तू मैं होता है, व्यवहार में तो होता है, परमार्थ में झगड़ा कहां है। लेकिन आदमी ने आज परमार्थ को भी बांट दिया। जहां आत्म शांति की बात आती है उसको भी बांट दिया, वहां भी झगड़ा खड़ा कर दिया। और आज इतनी झगड़ा है, धर्म धार्मिक जगहों में जितनी झगड़ा कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा आज झगड़ा का केंद्र बन गया है धार्मिक जगह। सबसे ज्यादा लूट खसोट का जगह बन चुका है धार्मिक जगह। जितनी बेईमानियां कर सकते हैं आज धार्मिक जगह में, जितनी बेईमानी होती है उतनी बेईमानी और कहीं नहीं है। आदमी कहां बदले अपने जीवन को, कहां पर आस्था रखे। आज जिन संतों के प्रति आस्था रखी जाती है, वो संत आज जेलों में पड़े हैं, तिहाड़ जेल में। देखिए कितने संत पड़े हैं। किसे संत कहें, किसे असंत कहें, किसे भगवान कहें, किसे क्या कहें, लोग आज समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहे क्या कहे। पर भी इसी जीवन में हमको अपने आप को निखारना है, इसी जीवन में अपने आप को परिवर्तित करना है। आदमी अगर प्रेम से जीना चाहे, सुख से जीना चाहे, तो ना ही मंदिर, ना ही मस्जिद, ना ही गिरजाघर, ना ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर को मंदिर बना ले, अपने घर को मस्जिद बना ले, अपने घर के लोगों को गुरु बना, महापुरुष मान ले, गुरु मान ले, देवता मान ले, और घर ही मंदिर बन जाए तो कोई दुनिया में आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन घर के देवता के साथ बहिष्कार, जो अन्न खाते हैं उसका अन्न छीना जाता है, जो अन्न नहीं खाते उसको अन्न चढ़ाया जाता है, गलत नहीं है। मंदिर में जाना गलत नहीं है, मस्जिद में जाना गलत नहीं है। एक आदमी ताश खेलता है, उससे अच्छा है मंदिर में जाकर पूजा तो करते हैं। एक आदमी जुआ खेलते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उससे कहीं अच्छा है कम से कम वो मंदिर में जाकर के भगवान की आराधना तो करते हैं। लेकिन मंदिर में जाकर के भगवान की आराधना के साथ साथ आपका घर यदि मंदिर नहीं बना तो आपका जीवन मंदिर नहीं बन सकता है। यदि आपको जिस मूर्ति को आप स्थापित किए हैं उसमें ही भगवान नजर आता है और घर के लोगों में भगवत्ता नजर नहीं आती है, भगवान नजर नहीं आती है, तो आप सिर्फ एक काष्ट की मूर्ति की तरह है, बस पत्थर की मूर्ति की तरह। बुरा नहीं है पूजा करना,
गलत नहीं है। आप जिस महापुरुष की पूजा करते हैं इसके मतलब आज सिर्फ फूल बत्ती और अगरबत्ती न घुमाते रहिए। जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसको देखिए, उस महापुरुष के हिसाब से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए, तब आपकी पूजा सार्थक है। नहीं तो सिर्फ आप एक धार्मिक आडंबर कर रहे हैं, और ये मोटी शब्दों में कहा जाए, कड़वी शब्द में कहा जाए तो सिर्फ एक कर्म कांड है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसको एक खिलौना दे दिया जाता है। सिर्फ एक बच्चा रो रहा है तो बच्चे को खिलौना दे दिया गया। हमारे मन में उथल पुथल हुई, हमारे मन में कई प्रकार के विचार आए, तो हमने एक मन को आधार दे दिया। क्या आधार दिया? किसी देवता का, किसी भगवान का, किसी संगीत का, किसी मूर्ति का एक आधार दे दिया। लेकिन ये आधार कब तक है? वो बच्चे खिलौने को कब तक पकड़े रहेंगे? जब तक उसमें थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उसमें उसको खुशी मिलेगी, उसके बाद उस बच्चे वो बच्चे खिलौने को एक किनारे फेंक देते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, अपना व्यक्तित्व का निर्माण खुद करना शुरू कर देते हैं। समझदार लोगों के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। जब वो एक सीढ़ी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर चलते जाते हैं तो फिर लौट करके उसमें आना नहीं पड़ता है उनको। आज गुरुवर कबीर के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने कर्मकांड का एक किनारे, कर्मकांड को एकदम बिल्कुल किनारे कर दिया उन्होंने। और आज यदि हम अपने जीवन को कर्मकांड में ही उलझाते रहे तो जीवन में हम विकास नहीं कर पाएंगे। कर्मकांड में जीवन सिर्फ थोड़ा देर के लिए होती है। कर्मकांड जैसे आपने एक पूजा किया, पूजा करने से थोड़ी शांति मिली, ये शुरुआत की स्थिति है। लेकिन इतने में जीवन में शांति नहीं मिल जाती है। हम जिन महापुरुषों की आज पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कर्मकांड में नहीं उलझे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का केंद्र अपने ओर बताया है, और इसलिए हम सब कर्मकांड बस मत करते रहे, कर्मकांड से ऊपर उठे तब हमारा जीवन बदल सकता है। गुरु और कबीर हम सबको इशारा करते ही वे कहते हैं कि अपने ओर मुड़ जाना है, और प्रेम से कहते हैं, दादा भाई बाप के लिखो चरणन हुई है बंदा, अब की पुरिया जो निरवारे सोजन सदा आनंदा। मैं दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ। इतना बड़े महापुरुष सोची कितना करुणा के साथ कहते हैं, दादा भाई बाप के लिखो चरणन हुई है बंदा। कोई बड़े आदमी इतना करुणा हो करके कहे, उनके अंदर वो दर्द है, वो महसूस करते हैं कि मुझे जीवन में कितने तकलीफें मिली है, वो तकलीफ लोगों को ना मिले, इसलिए बड़ा प्यार से पुकारते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं कि अब की बार जो वासना की पुरिया है उसका निर्वार कर दो। और गुरुवर कबीर ये भी कहते हैं, जिस समय गुरुवर कबीर थे उस समय गंगा की प्रसिद्धि थी, और गंगा की प्रसिद्धि थी इसलिए लोगों के रुझान को देखते हुए गुरुवर कबीर कहते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। यदि एक गुरुवर की साखी ले ले तो जीवन बदल सकता है। एक साखी, जैसे गंगा का पानी शुद्ध और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन को निर्मल बना ले, गंगा के पानी के तरह अपने जीवन को निर्मल बना ले, फिर हमको किसी हरि और परमात्मा के पीछे जाने की जरूरत नहीं। हरि और परमात्मा जिसे हम कहते हो हमारे पीछे दौड़ेंगे। जिसका मन निर्मल हो जाएगा, क्या भाई के साथ क्लेश का भाव रखेगा? क्या भाई के साथ पड़ोसी के साथ लड़ाई का भाव रखेगा? क्या दुनिया वालों के साथ वैर विरोध का भाव रखेगा? जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके लिए इन तमाम राग द्वेष के लिए वक्त नहीं रहता है। मन का निर्मल हो जाना मतलब पूरा जीवन से क्लेश ही खत्म हो जाना, और जिसका जीवन में क्लेश खत्म हो जाता है उसी को हम महापुरुष कहते हैं, उसी को हम संत कहते हैं, वही महाजन है। कपड़ा बदलने से
देश बदलने से, जगह बदलने से कोई आदमी महान नहीं होते हैं। महान वह व्यक्ति होता है जिसका मन निर्मल हो जाता है। गुरुदेव जी कहते हैं, गुरुदेव जी ने एक पुस्तक लिखी है संत कौन, एक वाक्य में उन्होंने उत्तर दिया है, संत वह है जो दुखी नहीं होता है। दुखी कौन नहीं होता है, हम सब विचार करें इस पर, हमारे मन में दुख है कि नहीं है, और दुख है तो हम संत नहीं हुए हैं, और संत होना है तो जीवन से दुख की विदाई हो। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जी सर, मैं हाँ कई दिन से क्या बोलूँ, हाँ पता नहीं साहब क्या बोलूँ, आज साध्वियाँ सब चली गई हैं, उनके भी तरफ से एक होना चाहिए, कोई है नहीं। लोगों का टाइम है, आप लोगों में से बोलेंगे कोई साधना और सुबुद्धि में से, आप लोग बोलना है तो आ जाएं 10 मिनट के लिए। हाँ 10 मिनट नहीं बोले, 15 मिनट बोलेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, आओ आओ बोलो, फिर तो आज तो बोलना ही है। देव भाई माइक दे दो, वहाँ लगाओ एक माइक। वो कहाँ गई और यहाँ वाली साध्वी विजित साहब, विजित साहब कहाँ गई, और कोई बात नहीं, साध्वियाँ सब बैठी, वो लोग भी नहीं आती यहाँ पर। आ जाओ सब लोग, अरे कहाँ गए सब, इधर उधर हैं, लेकिन आना तो चाहिए मंच पर बैठने के लिए। आई थी पता नहीं, देखा नहीं, खाली है बिल्कुल आज। हाँ आना चाहिए, उधर भी बैठी हैं जो आई हैं बाहर से, उनको भी आना चाहिए।